मथुरा स्टेशन पर सनसनीखेज वारदात, दिन दहाड़े मासूम का हुआ अपहरण, किडनैप बच्चा बीजेपी पार्षद के घर मिला, पुलिस ने मारा छापा, बच्चा किया बरामद, पूछताछ के लिए हिरासत में बीजेपी पार्षद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह हिंसा का ज्वाला। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, पिछले दिनों एक खबर काफी वायरल हुई थी, मथुरा में जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा चोरी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी छानबीन की और जो व्यक्ति बच्चा चुराता हुआ नजर आया था उसको गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि उसने बच्चा फिरोजाबाद में बेच दिया है, जिसकी निशानदेही पर चलते हुए पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से बच्चे को रेस्क्यू किया। और अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विनीता अग्रवाल को भाजपा से निष्कासित कर दिया है। वहीं आपको बता देंगे, यह खबर काफी वायरल हुई थी और विरोधियों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो भाजपा सांसद विनीता अग्रवाल ने यह बच्चा हाथरस के बच्चा चोर गिरोह से 1,80,000 में खरीदा था। हालांकि विनीता अग्रवाल के घर पर बेटा नहीं था बल्कि बेटी थी। बेटे की चाह में ही विनीता अग्रवाल ने इसको खरीदा था। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी विस्तार से खबर। मथुरा रेलवे स्टेशन पर सो रही एक महिला की गोद से बच्चा चुराया गया। बच्चा सोमवार को फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से बरामद हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि यह बच्चा पार्षद ने कथित तौर पर हाथरस के बच्चा चोर गिरोह संचालक दंपत्ति से 1,80,000 रुपए में खरीदा था। वो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा, वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ दो महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है। दरअसल विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्णा मुरारी अग्रवाल की एक बेटी होने के चलते ये लोग बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को खरीदा था। इस मामले में अग्रवाल और उनके पति समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बच्चे को 24 अगस्त को मथुरा जंक्शन के एक प्लेटफॉर्म से चोरी किया गया था, जिसे राजकीय रेलवे पुलिस ने बरामद कर लिया था, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 51 की पार्षद विनीता अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।